हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेडिसिन रिव्यू टिप्स यूट्यूब चैनल पर। आज हम स्टूडियो में टीका फोर्ड 90 टैबलेट के बारे में पूरी जानकारी लेने वाले। टीका फोर्ड टैबलेट का मेनली यूज हार्ट से जुड़ी समस्या दूर करने में किया जाता है। वेल फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही हेल्थ और मेडिसिन से जुड़े वीडियो लाते रहता हूँ। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लिफोर्ड हेल्थ केयर कंपनी की ये 14 टैबलेट की स्ट्रिप आपको मेडिकल स्टोर पर 420 रुपए में मिल जाएंगी। दोस्तों, बताइए कीमत समय के साथ कम या ज्यादा हो सकती है। बात करते हैं इस टैबलेट में मौजूद कंटेंट के बारे में। टीका फोर्ड टैबलेट में टीका ग्रेल 90 mg यह कंटेंट समाविष्ट है। इसमें मौजूद टीका ग्रेल यह ड्रग एंटी प्लेटलेट के क्लास में आता है। यह प्लेटलेट को एक साथ चिपकने से रोकता है, जिससे नुकसानदायक खून के थक्के बनना कम हो जाते हैं और हार्ट अटैक और स्ट्रोक आने का खतरा भी कम हो जाता है। बात करते हैं इस टैबलेट के यूजेस के बारे में। डॉक्टर इसे किन किन समस्याओं में इस्तेमाल करते हैं। इस टैबलेट का मेनली यूज हार्ट अटैक की समस्या से बचाव करने के लिए किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक आया हो तो उसे फिर से हार्ट अटैक ना आए, इसलिए डॉक्टर इस टैबलेट का यूज़ करते हैं। डॉक्टर इसे स्ट्रोक की समस्या दूर करने के लिए भी यूज़ करते हैं। इस टैबलेट का इस्तेमाल डॉक्टर एंजाइना की समस्या में भी यूज़ करते हैं। इस समस्या में हार्ट की मसल को कम ब्लड फ्लो होने के कारण छाती में दर्द, जकड़न, छाती में दबाव आने की स्थिति हो जाती है। इस समस्या को दूर करने के लिए भी डॉक्टर इस टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं। इस टैबलेट के अन्य यूज जानने के लिए आप अपने डॉक्टर या फार्मेसी से संपर्क कर सकते हैं। आपके डॉक्टर उनके अनुभव से इस टैबलेट का इस्तेमाल अन्य समस्याओं को दूर करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। बात करते हैं इस टैबलेट के डोसेस के बारे में। याद रखें दोस्तों, इस टैबलेट का डोस आपकी समस्या पर निर्धारित रहता है। यदि आपकी समस्या ज्यादा हो तो इस टैबलेट का डोस भी ज्यादा होगा। यदि आपकी समस्या कम हो तो इस टैबलेट का डोस भी कम होगा। इसलिए आप अपनी समस्या अपने डॉक्टर को बताकर इस टैबलेट का डोस उनसे निश्चित कर ले। इसे अपने मन से घर पर न ले। आपके डॉक्टर इस टैबलेट का डोस दिन में एक बार या दो बार भी आपकी स्थिति देखकर दे सकते हैं। साइड इफेक्ट, इस टैबलेट के इस्तेमाल से होने वाले दुष्परिणाम। यदि आपको इस टैबलेट में मौजूद कंटेंट से एलर्जी है तो आपको बताया गया कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं। यदि आपको बताया गया कुछ साइड इफेक्ट महसूस हो तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। इस टैबलेट के इस्तेमाल से आपको सांस फूलना, सिर दर्द, पेशाब से खून आना, श्वसन नलिका से खून आना, चक्कर आना, ये कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं। प्रिकॉशन, इस टैबलेट को यूज करते समय सावधानियां। अगर आप पहले से कोई अन्य टैबलेट, मेडिसिन, सिरप ले रहे हो तो उसकी सूचना अपने डॉक्टर को अवश्य दें। इस वजह से इस टैबलेट का ड्रग इंट्रैक्शन या ओवरडोज होने की संभावना कम होती है। अगर आपको लीवर या फिर किडनी से जुड़ी कोई अन्य समस्या है तो उसकी सूचना भी अपने डॉक्टर को अवश्य दें। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें और मेडिसिन रिव्यू टिप्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर आपको हमेशा मेडिसिन रिव्यूज मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।